नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। बैलेट वोट की काउंटिंग शुरू हो गई और इस काउंटिंग में फिलहाल एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। बिहार के भी कई सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें बैलेट काउंटिंग के जरिए सबसे पहले बैलेट के वोटों को ही काउंट किया जाता है। ये वो वोट होते हैं जो सरकारी अधिकारी जो चुनाव प्रक्रिया में लगे होते हैं वो अपना वोट देते हैं। इस वोट की काउंटिंग में लगातार एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सारण में राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि सारण से राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। वहीं बिहार में बीजेपी फिलहाल पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग शुरू हुई है उसमें 11 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं 4 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट की लीड करने की खबर है। फिलहाल यह एक तरफा खबर आ रही है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में एनडीए आगे चल रहा है। बिहार में लगातार 40 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई। हर जगह से हमारे पास तस्वीरें आ रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग फिलहाल शुरू की गई है और इस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में एनडीए को बढ़त मिलती भी दिख रही है। ये पहले से भी कहा जाता रहा है। अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो उसमें यही निकलता है कि पोस्टल बैलेट या जो सरकारी अधिकारी होते हैं जिसकी सरकार होती है ये मोस्टली वोट उसी को ही करते हैं। ऐसे परिणाम यूपीए के भी समय में आए थे, ऐसे परिणाम जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी आए थे और इसी तरीके के परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आ रहे हैं। जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू की गई है तो उसमें लगातार एनडीए को बढ़त मिलता दिख रहा है। अभी देश में भी जितने सीटों के रुझान आए हैं उन सीटों में फिलहाल एनडीए को काफ़ी बढ़त है। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर। हर एक सीट के बारे में हम आपको बताएंगे पूरे दिन। हम आपको हर एक वीडियो के जरिए हर सीट पर विश्लेषण भी करेंगे कि इस सीट पर ये कैंडिडेट क्यों जीता और ये क्यों चुनाव हार गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।